गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो महिंद्रा के नए लोगों से समझ सकते हो गाड़ी कौन सी है। गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी है मेरी स्कॉर्पियो है ना हमारे आगे, तो ये है Z4 मॉडल। तो इसके ओनर से मैं मिलवाता हूँ, मैं आपको एक रिव्यू दूंगा। तो ये ओनर, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? शिवांशु तिवारी नाम है भैया का। तो भैया आपने Z4 खरीदा है, स्कॉर्पियो है, तो कितना टाइम हो गया इसको लिए? दो महीने हो चुके हैं। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो गाड़ी आपने यही क्यों ली? स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन लेके हम गए थे वैसे तो लेने, मतलब और दूसरे वेरिएंट जो अच्छा। स्कॉर्पियो क्लासिक, बट हां इसमें जब बैठा ना तो फील ही थोड़ी अलग आई। हां बढ़िया लग्जरी, आपको फील अलग लगी इस गाड़ी की? मतलब इस प्राइस वेरिएंट में बहुत बढ़िया गाड़ी। नहीं गाड़ी काफी अच्छी है, गाड़ी ऊंची भी है, बम्पी भी है, गाड़ी काफी अच्छी है। फॉर्च्यूनर से ऊंची थी गाड़ी। हाँ गाड़ी अच्छी भी थी, काफी ऊंची थी। तो कितने की पड़ी आपको गाड़ी? ये गाड़ी हमें पड़ गई 1875 की। डीएल नंबर गाड़ी है, दिल्ली के अंदर आपको 1875 की पड़ी है गाड़ी है। तो इसके अंदर फीचर्स दिखाओ, अंदर आओ। 18 फरवरी को लिए, 18 फरवरी को डिलीवरी। हाँ 10 दिन में गाड़ी निकाली। अच्छा, तो इसके अंदर आपने अभी मॉडिफिकेशन भी करवाई है, यहाँ पर क्या क्या करवाया आपने पहले? अच्छा, इसके अंदर Z4 के अंदर ही हमारे नहीं आते, इसमें हमने DRL अपग्रेड करी है, देख सकते हो, और इस तरफ भी देख सकते हो, ये हमने DRL अपग्रेड करी है और ये LED इसमें डाली है। तो ये पूरी डमी है ये वाला। अच्छा, और से आपने इसमें अलॉय व्हील अपग्रेड करवा रखे हैं? अच्छा, कंपनी से करवा रखे है भैया ने इसमें, और अलॉय व्हील के साथ तो लोग की टॉप मॉडल लग रही है पूरी गाड़ी है, तो कोई आ नहीं सकता है इसको। गाड़ी के अंदर फीचर्स भी काफी दे रही है कंपनी, और इसमें ये देख सकते हो ये। तो इसमें टायर भी पूरा चेंज करवाया था आपने कंपनी? अच्छा, 18 इंच के टायर थे इसके अंदर, 17 इंच के। तो कंपनी से 17 इंच आते हैं, तो आपने इसमें अलॉय चीज दिलवाया, बस कंपनी से दिलवाया अलॉय। कितने के पड़े थे वहाँ पर? तो ये कुछ बैक लुक है गाड़ी की, देख सकते हो। हाँ ये एसेसरीज है, और ये पूरी इसके भी बम्पर गार्ड की भी, और ये क्रोम भी नहीं, ये आफ्टर मार्केट है। तो अभी गाड़ी पीछे जा रही है, बाहर निकल के दिखाता हूँ एक बार अंदर से क्या क्या काम है। गाड़ी के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो गाड़ी का सबसे पहले मैं आपको डोर पैनल दिखाता हूँ ड्राइवर साइड का, देख सकते हो। और इसके अंदर ये यहाँ पर पियानो फिनिशिंग है, और यहाँ पर 4 डोर पावर विंडोज है, और ये साइड मिरर की एडजस्टमेंट है। यहाँ की तरफ सिर्फ लेदर नहीं चढ़ा हुआ, ये स्टिचिंग देती है कंपनी कुछ दिखाने के लिए, ये सॉफ्ट टच है, बड़ी सॉफ्ट टच नहीं है। और गाड़ी के अंदर देख सकते हो यहाँ पर स्पीकर आता है, और इस तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई ट्विटर वगैरह कुछ नहीं है। ये कुछ लुक है ड्राइवर साइड के डोर पैनल के, कॉफी कलर का इसमें इंटीरियर आता है, ये कुछ डोर पैनल की लुक है। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो गाड़ी कुछ ऐसी लुक आती है फ्रंट साइड से, यहाँ से बैठ, ये कुछ सीट कवर की लुक है, सीट कवर सारे आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो भी मैनुअल है, ऊपर नीचे करने का, आगे पीछे करने का, और थाई सपोर्ट, नंबर सपोर्ट बढ़ाने का। तो गाड़ी काफ़ी ऊँची है, तो इसके लिए यहाँ पर फुटरेस्ट भी लगा हुआ है। तो अंदर लेके चलता हूँ गाड़ी के, तो कुछ ऐसी लुक है गाड़ी की। तो गाड़ी के अंदर मैं आपको लेके आ चुका हूँ, ये कुछ स्टीयरिंग व्हील की लुक है, इसमें माउंटेड बटन्स वगैरह सब कुछ आते हैं। और यहाँ पर आपके क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स है, ये माउंटेड बटन्स है स्टीरियो के लिए। अभी मैं वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ जाके, पहले ये आप देख सकते हो माउंटेड बटन्स, ये कुछ मैट ब्लैक के अंदर आता सारा। ये महिंद्रा का प्यारा सा छोटा सा लोगो आता है यहाँ पर, और यहाँ पर एयर बैग की बैजिंग है, और ये कुछ हॉर्न की साउंड है। अब ये देख सकते हो इसमें जो स्टीयरिंग रैप वगैरह हुआ, ये सब कुछ आफ्टर मार्केट काम है। मेनली मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ, गाड़ी के अंदर कितने फीचर है Z4 के अंदर। अब मैं इसकी इग्निशन की ऑन करता हूँ, तो ये कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की लुक। इसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं, देख सकते हो, इसको आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो इसके अंदर सारे फीचर्स है, देख सकते हो इसके अंदर आपको सारे फीचर्स के कंट्रोल मिलते हैं। और इसको आप मैं चेंज करने के लिए जो क्लस्टर है इसके यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल है, ये क्लस्टर, ये कंट्रोल्स है, इससे MID जो आप इसको चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सब मिलते हैं, इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, डिस्टेंस किलोमीटर वगैरह कितनी गाड़ी चलेगी सब मिलता है। यहाँ पर हमें RPM मीटर मिलता है, ठीक है, ये 7 तक की मार्किंग है, ये डीजल गाड़ी है। और यहाँ पर हमें
स्पीडोमीटर मिलता है और ये कुछ वार्निंग लाइट्स आ रही है क्योंकि गाड़ी अभी ऑन नहीं है। अब मैंने आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह दिखा दिया, अब इस तरफ मैं चलता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ भी बटन नहीं मिलते, टॉम वाले के अंदर इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर इस तरफ बटन मिलते हैं, ये हेडलाइट का हमारा लेवलर है और यहाँ पर हमारा ये ब्राउन कलर के शेड के अंदर, कॉफी ब्राउन कलर के शेड के अंदर आपका यहाँ पर डैशबोर्ड की लुक है और ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर हमारा एसी वन की लुक है। देख सकते हो एसी वन की लुक, ये पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ। अब ये हमारा फ्रंट का यहाँ से क्लियर हो चुका है इस तरफ का पार्ट। अब मैं लेके चलता हूँ आपको बीच के अंदर, सेंटर के अंदर। सेंटर के अंदर आपको लेके चलता हूँ तो ये जेट फोर के अंदर तो सिस्टम आता है, इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है, पर अभी एप्पल कारप्ले सपोर्ट नहीं करता, इसमें एंड्रॉयड ऑटो चल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है, एप्पल कारप्ले नहीं सपोर्ट करता। अभी महिंद्रा की तरफ से एप्पल कारप्ले का अपडेट नहीं आया। तो ये इसके नीचे के कुछ बटन है इसको ऑफ वगैरह करने के, यहाँ से म्यूजिक के, यहाँ पे कॉल के, यहाँ पर होम के, यहाँ पर बैक के, और ये कुछ सेटिंग्स कंट्रोल है और ये फेवरेट का, यहाँ पर आपको ट्यून करने के लिए एफएम रेडियो का। यहाँ ये बीच में आपको सब कुछ ग्लॉसी फिनिशिंग में मिलता है। अभी नीचे लेके चलता हूँ। अभी यहाँ देख सकते हो तो इसके एसी वेंट दोनों के दोनों, सामने की तरफ पोजीशन वाले आपको एसी वेंट की फिनिशिंग मिलती है, ये पूरी सिल्वर फिनिशिंग मिलती है यहाँ पर साइड में। और नीचे की तरफ आओगे तो इसके अंदर एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, ये मैनुअल एसी है देख सकते हो, ये नोब आपको कंट्रोल मिलते हैं, ये आपको हीट और कूल के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको लेग्स वगैरह के अंदर किस तरह आपको एज की डायरेक्शन चाहिए उसको सेट करने के कंट्रोल मिलते हैं। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर अगेन आपको हजार लाइट का स्विच मिलता है, ये आपको रेड सिग्नल में ऑन ऑफ का, ऑटो स्टार्ट सोप का बटन मिलता है। यहाँ पर और कुछ नहीं है, टॉप मॉडल के अंदर फीचर्स और भी आते हैं। और नीचे लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आपको पैसेंजर साइड एयरबैग का ऑन ऑफ का फीचर मिलता है, सीट बेल्ट का रिमाइंडर के यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर आपको दो यूएसबी पॉइंट और एक ऑक्स का पॉइंट मिलता है। सेंटर के अंदर कुछ ऐसी फिनिशिंग है। ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ स्पेस मिलता है छोटा सा, यहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी बैठे हैं तो यहाँ पर कुछ भी आप भगवान जी की फोटो वगैरह लगा सकते हो, जिसकी स्पेस मिलता है। कुछ ऐसी आती है सेंटर की फिनिशिंग के लोग, यहाँ से क्लियर हो चुका है। आप लेकर चलते हो इस तरफ तो यहाँ पर आपको अगेन पूरा आपको कॉफी ब्राउन के अंदर मिलता है, जो ब्राउन शेड के अंदर है, बट ये लेदर की स्टिचिंग दे रखी है लुक के लिए सिर्फ, ये लेदर नहीं है इसमें। और ये एसी वेंट की लुक देख सकते हो, ये पूरा लुक है। आप नीचे चलता हूँ, नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको पियानो फिनिशिंग मिलती है पूरी। अगेन ये हमारा जो है गियर नॉब की लुक है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है इसके अंदर, और यहाँ पर आपका ये अगेन पूरी पियानो फिनिशिंग है। यहाँ पर हैंड ब्रेक मिलती है बड़ी सी, और नीचे की तरफ आओगे तो एम्ब्रेस की लुक है, इसमें कपड़ा चढ़ा हुआ है। वैसे नॉर्मली इसमें कपड़ा नहीं आता जब आप लेते हो उस गाड़ी को, ये सब आफ्टर मार्केट काम है। कुछ सीट्स की लुक है ये इसके अंदर। ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर कोई लाइट वगैरह के कंट्रोल नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक माइक का स्पेस मिलता है, और ये तो इसका ओयर में मिलता है, ये भी डे नाइट वाला मैनुअली एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन है। तो ये कुछ दौड़ की लुक है। अब इसमें यहाँ की तरफ आपको मिलती है रीडिंग लैंप, आगे नहीं है, सनग्लास होल्डर वगैरह कुछ नहीं, तो यहाँ पर हमें रीडिंग लैंप मिलती है बीच के अंदर। तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको पीछे की तरफ। तो ये है सेकंड रो के बैक डोर की लुक। यहाँ पर आपको इसकी पियानो फिनिशिंग जो होती है ये करवाई गई है, पियानो फिनिशिंग नहीं आती, इसमें मैट फिनिशिंग आती है। कैसे, यहाँ पर ब्लैक फिनिशिंग है, ये मैट फिनिशिंग होती है। यहाँ पर हमने पियानो फिनिशिंग करी है तो कंपनी से करवाया है भैया ने, और यहाँ पर आपको देख सकते हो ये पूरा इसमें लेदर की लुक दे रखी है, पर ये लेदर नहीं है, और देख सकते हो इसके, और यहाँ पर ये सीट कवर की लुक देख सकते हो। यहाँ से कुछ ऐसी लगती है गाड़ी बाहर से देखने के ना। और अब मैं लेकर चलता हूँ अंदर की तरफ, तो देख सकते हो इसके अंदर हमें यहाँ पर एसी वेंट से कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पर दो एसी वेंट मिलते हैं, और नीचे की तरफ ये ओपन हो करने के लिए, और नीचे देख सकते हो इसमें आपको यहाँ पर रीडिंग लैंप मिलता है सेंटर के अंदर। अगेन ये कुछ लुक है, और थाई सपोर्ट मतलब सॉरी लेग स्पेस देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, और थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी के अंदर। और बीच के अंदर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, देख सकते हो ये आर्मरेस्ट की लुक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी अगेन डोर की। अब मैं लेके चलता हूँ आपको बैक, क्योंकि यहाँ पर 7 सीटर गाड़ी है, तो बी एच सी पीछे की तरफ भी लेके चलता हूँ। कितना कुछ पीछे यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, इसलिए ये सीट हमने फोल्ड कर रखी है। सीट यहाँ पर आ जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस मिलता है आपको सामान रखने के लिए। जब ये सीट फोल्ड हो जाती है तो देख सकते हो इसमें कितना बड़ा आपको बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी सारा सामान इसमें कैरी कर सकते हो, और ये पूरी निकल भी जाती है बाहर, तो उसके बाद आपको बहुत स्पेस मिल जाता है। कुछ ऐसी लुक है, और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कापर यहाँ पर मिलता है, सॉकेट 12 वोल्ट का आपको यहाँ पर मिलता है, एक पावर एक ही सॉकेट मिलता है इस गाड़ी के अंदर पूरा यहाँ पर बस बैक के। और ये कुछ डोर की लुक है, डोर यहाँ से इसका खुलता है, कैसे ओल्ड स्कॉर्पियो के अंदर भी इसी तरह से खुलता था, तो ये भी ऐसे ही खुलता है। सब तो गाड़ी की पूरी लुक है, बैक साइड से ब्लैक कलर के अंदर लगी है गाड़ी भैया,
गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। वाइपर डिफोगर इसमें आता है इनबिल्ट, इस मॉडल के अंदर भी महिंद्रा ये चीज़ें दे रही है, अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैं आपको ड्राइव रिव्यू देता हूँ स्कॉर्पियन का, मैं गाड़ी लेके चल पड़ा हूँ। स्टेयरिंग इसका बहुत स्मूद है, फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि स्टेयरिंग बहुत स्मूद है। मैं लेके चल पड़ा हूँ गाड़ी को, एनुअल गाड़ी है, सेकेंड गियर मैंने डाल दिया। सीटिंग काफ़ी ऊंची है गाड़ी की, एकदम राजा वाली फीलिंग देती है गाड़ी, बैठे हुए कि रोड के किंग हो आप पूरे, देख सकते हो पूरी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्विस हो रहा है इसमें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। पूरा आपको बोनट दिखता है फ्रंट साइड से, कोई भी दिक्कत नहीं आती आपको गाड़ी में। अभी तक तो फिलहाल गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है और स्टीयरिंग बहुत अच्छा है गाड़ी का। एक बार भैया बेल्ट लगा लो, थोड़ी आवाज़ करेगी ना वीडियो के अंदर, दिक्कत आएगी। तो इसमें आपको ऐसी इंडिकेशन मिलती है जब आप स्पीड ब्रेक नहीं लगाते, तो कुछ ऐसी लुक आ रही। ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छी है, पेट्रोल है यहाँ पर आप देख सकते हो, पेट्रोल के हिसाब से माइलेज माइलेज कितनी होगी भैया इसकी? इसकी माइलेज तो अभी 6 आ रही, 6 की करीब की। हाँ तो ऐसी इसकी डीजल के अंदर भी 10 की है, लोकल में है ना ये। हाँ डीजल के अंदर भी ज़्यादा नहीं है इसकी, बाहर जाते हैं तो 10-11 दे देती है। गाड़ी भी तो मतलब गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने, फॉर्च्यूनर की तक 2080 के हिसाब से गाड़ी अच्छी उतरी है, देख सकते हो पूरी गाड़ी की लुक। गाड़ी थोड़ी बड़ी है, थोड़ा ट्रैफिक के अंदर थोड़ी दिक्कत आती होगी, पर जिसने दिल्ली में गाड़ी चला ली भैया कई हर जगह चला ली, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले से सस्पेंशन भी अब ठीक है, सस्पेंशन अरे गाड़ी का बॉडी रोल खत्म कर दिया, स्पेशली जो क्लासिक थी ना और जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो, उसके अंदर तो सामने स्कॉर्पियो जा रही पुरानी वाली क्लासिक जो है, इसके अंदर ना बॉडी रोल बहुत था, बट अब ये जो गाड़ी बनाई है काफ़ी अच्छा इन्होंने कर दिया है, इम्प्रूव बहुत करी है। जो मैंने आपको जो गाड़ी दिखाई स्कॉर्पियन, ठीक है गाइस, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, जेट 4 वेरिएंट, इसका बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप प्लान करते हो 20 लाख के अंदर अंदर की गाड़ी, तो गाइस ये गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आपका प्लान बनता है तो इस गाड़ी को ज़रूर बुक करो, और गाड़ी आपको अगर जल्दी मिल रही है तो गाइस इसको ले लो। गाइस भाई ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, और जेट 4 है, और ऊपर से गाड़ी जो है वो काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी बम्पी है गाड़ी, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, और इस बजट रेंज में किस आ रही है तो उसके अंदर बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आप 4x2 लेते हो गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको 4x4 का शौक है तो आप इसका ऊपर के वेरियंट 4x4 में ले सकते हो। जेट 4 मॉडल के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, और अगर आपको सनरूफ का शौक है तो आप जेट 6 ले सकते हो, जेट 6 भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है। इस हिसाब से तो महिंद्रा ने गाड़ी बनाई है, महिंद्रा की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है, महिंद्रा बहुत अच्छी गाड़ी निकाल रहा है, तो गाड़ी बहुत अच्छी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, गाड़ी बहुत अच्छी है। और आप जरूर से अगर आपको प्लान कर रहे हो 20 लाख के अराउंड अंदर अंदर आपको गाड़ी लेनी है, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, जरूर जाकर इस गाड़ी को एक बार देखना, और पसंद आएगी तो बुक करना जरूर। मेरा ओपिनियन था कि ये गाड़ी अच्छी है, और मैं भी इस गाड़ी को डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं भी आने वाले टाइम में बाय करूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आई है, मैं भी ढूँढ रहा हूँ अपनी गाड़ी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस, आपने मेरी वीडियो को अभी तक यहाँ तक लास्ट तक देखा तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पर नए हो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे आगे आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।